नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो जिला दर्शन की क्लासें अपन पढ़ रहे थे और जिसके अंदर अपन ने 6 जिले की क्लासें देख ली है। ठीक है, 6 जिले अपन ने पढ़े थे। सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे, चाहे वो इतिहास, भूगोल या फिर कला संस्कृति से हो, तो सभी फैक्ट अपन ने देख लिए थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं नीमका थाना जिला। ठीक है, 7 नंबर का जो जिला है वो है यहाँ पर नीमका थाना जिला। तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। एक भी फैक्ट में आपको यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप भी इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको अगर आप जुड़ते हो तो आपको ज़रूर फायदा होगा। जितने भी नए ज़िले बने हैं तो सभी ज़िलों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर सभी के सभी ज़िले हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा आप। तो करते हैं यहाँ पर शुरुआत नीमका थाना जिला। देखिए, सबसे पहले तो गठन, यहाँ पर देखिए 4 अगस्त 2023। और अगला फैक्ट है यहाँ पर कि जो नीमका थाना जिला है वह कौन कौन से ज़िले से अलग होकर नया ज़िला बनाया गया है। तो देखिए, नीमका थाना के अंदर सीकर व झुंझुनू, ठीक है, सीकर व झुंझुनू ज़िले से अलग होकर यह नया ज़िला बना है। कौन सा? नीमका थाना। और जो संभाग है वो संभाग पड़ता है यहाँ पर सीकर संभाग। ठीक है, नीमका थाना जिला कौन से संभाग में आता है? सीकर संभाग में। उद्घाटन हुआ था 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो उद्घाटन की तिथि भी आपको पूछ सकते हैं, तो 7 अगस्त 2023। यह है नीमका थाना जिला। ठीक है, तो इसकी कितनी तहसीलें हैं, उपखंड हैं, अपन देख लेते हैं कितने उपखंड हैं, कितनी तहसीलें हैं। देखिए, नीमका थाना जिला है, इसके अंदर उपखंड हैं 4। ठीक है, उपखंडों की संख्या 4 और तहसीलों की संख्या यहाँ पर 5। देखिए, पहला उपखंड है नीमका थाना, दूसरा है श्री माधोपुर, तीसरा है उदयपुर वाटी और चौथा है खेदड़ी। यानी कितने उपखंड हैं? 4। 4 उपखंडों के अंदर तहसीलें कितनी है? 5। तो देखिए, नीमका थाना से 2 तहसीलें हैं, नीमका थाना और पाटन। श्री माधोपुर से श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी से उदयपुर और खेदड़ी। तो ये यहाँ पर 5 तहसीलें हो चुकी है। ठीक है, ये खेदड़ी है और ये उदयपुर वाटी है, ये नीमका थाना, ये पाटन है और ये श्री माधोपुर है। तो तहसीलें कितनी हो गई? 5 और उपखंड 4। आगे देखिए, नीमका थाना जिला, तो उपखंड अपन ने पढ़े 4, जिसमें नीमका थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। तो कितने उपखंड हैं? 4। तहसीलें अपन ने पढ़ी 5, जिसमें नीमका थाना, पाटन है, श्री माधोपुर है, उदयपुर वाटी हैं और खेतड़ी। तो तहसीलें कितनी पड़ी अपन ने? 5। आगे देखिए, नीमका थाना जिला कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? तो ये 4 ज़िलों से के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें आ जाएगा सीकर, झुंझुनू आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा और कोटपुतली बहरोड। ठीक है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड। देखिए, आप साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल एक भी फैक्ट में यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये अंतर्वर्ती ज़िला नहीं है। ठीक है, ये कौन सा ज़िला है? ये बहिर्वर्ती ज़िला है जो हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो कौन सा ज़िला है? नीमका थाना बहिर्वर्तीय। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, सॉरी, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो ये हरियाणा के साथ में कौन सी सीमा बना रहा है? अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, आगे देखिए, ये है राजस्थान का नक्शा। तो यहाँ पर देखिए, नीमका थाना ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये नीमका थाना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये इधर आता है हरियाणा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है हरियाणा। तो ये हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, नीमका थाना जिला, तो ये अंतर राज्य जिला है। आगे देखिए, शेखावाटी क्षेत्र। देखिए, पहले शेखावाटी में 3 ही जिले आते थे, लेकिन अब शेखावाटी क्षेत्र में 4 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और चौथा हो गया नीमका थाना। ठीक है, तो शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 4, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना। अब देखिए, राजस्थान के 8 जो ज़िले हैं वो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा लगाते हैं? तो कितने हुए? 8। देखिए, हनुमानगढ़, चूरू है, झुंझुनू है, नीमका थाना है, कोटपुतली बहरोड है, खेरतल, तिजारा है, अलवर है और डीग। तो यानी जो 8 ज़िले हैं, ये 8 ज़िले हरियाणा के साथ में, जो हरियाणा राज्य हैं, तो इसके साथ में अपनी सीमा लगाते हैं। ठीक है, 8 ज़िले।
दूसरा फैक्ट देखिए पर नियमक स्थाना से इसका जो नामकरण है किसके आधार पर हुआ, तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ थी और यहाँ पर वृक्ष था नीम का पेड़, तो वही से इसकी यहाँ पर इसका नामकरण किया गया था निम्बार्क संप्रदाय पीठ, ठीक है, प्रधान पीठ थी और नीम का पेड़। इसके बाद देखिए यहाँ पर चोटियाँ, चोटे की बात करें कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो नीम का थाना जिले में लगती है, तो यहाँ पर देखिए माल खेत की चोटी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1052 किलोमीटर सॉरी मीटर है, ठीक है 1052 मीटर माल खेत की चोटी। दूसरी चोटी है लोहारगल की चोटी, तो इसकी जो ऊंचाई है 1051 मीटर। तीसरी चोटी है बाबाई की चोटी जो 780 मीटर है। और चौथी तोरावटी की चोटी, तो ये जो चार चोटियाँ हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये आ जाएगी सभी सभी नीम का थाना ज़िले में, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर तोरावाटी बेसिन, तो नीम का थाना ज़िले में कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसी को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है, ठीक है। अब आती है कांतली नदी, देखिए कांतली नदी के बारे में अपन देखते हैं कि इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से, ठीक है, कहाँ से हुआ है खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर। राजस्थान में पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कौन सी, कांतली नदी, ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली नदी। लंबाई कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर। यह नदी तीन जिलों में प्रवाहित होती है जिसके अंदर सिक्कर आता है, नीम का थाना आता है और झुंझुनू, ठीक है, सिक्कर नीम का थाना और झुंझुनू, तो तीन जिलों में ये प्रवाहित है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तो कहा जाता है तोरावटी और सिकावट क्षेत्र की मुख्य नदी मानी जाती है कांतली नदी, तो ये भी आप देखिएगा एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभ्यता है एक जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, पहले सिक्कर में अपन पढ़ते थे गणेश्वर सभ्यता को, लेकिन अब ये रेवासा जो ग्राम है यह है नीम का थाना ज़िले में, ठीक है, रेवासा, तो नीम का थाना जिला जाएगा गणेश्वर सभ्यता। इसकी खुद खोजकर्ता थे आरसी अग्रवाल विजय कुमार, ठीक है। अब इसकी विशेषताएँ क्या क्या है गणेश्वर सभ्यता की, तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। देखिए विशेषता के अंदर देखिए कि कांतली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, कांतली नदी के किनारे हैं गणेश्वर सभ्यता, ये तामरयुगीन सभ्यता कही जाती है और यहाँ पर ताम्रशंसी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हैं, इसलिए इसको ताम्रशंसी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये है गणेश्वर सभ्यता। आगे देखिए इसको तामरयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, ठीक है, और राजस्थान में तांबे के सबसे पहले भंडार यहाँ पर 2800 ईसा पूर्व में सबसे पहले भंडार मिले थे गणेश्वर सभ्यता से। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है और यह यहाँ की जो वस्तुएं हैं इसमें 99% तांबा पाया जाता है, तो पुरातत्व का पुष्कर कौन से सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। और यहाँ के जो मकान हैं जिनका निर्माण ईंटों की बजाय किससे हुआ, पत्थरों से हुआ है, ठीक है, यहाँ के मकानों का निर्माण पत्थरों की बजाय किससे सॉरी ईंटों की बजाय किससे हुआ, पत्थरों से हुआ है। यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं जिसके अंदर मिला तीरबाण तलवार मिली है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तो ये उपकरण यहाँ कौन सभ्यता से मिला है, गणेश्वर सभ्यता से, तीरबाण तलवार और मछली पकड़ने का कांटा। और कपीस मृदभांड यहाँ पर मिले हैं और गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात होता था हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को और कालीबंगा को, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा को यहाँ से क्या होता था इसका निर्यात, तो ये गणेश्वर सभ्यता थी। जिला कौन सा हो गया, नीम का थाना, पहले पढ़ते थे अपन सीकर जिले में, लेकिन अब चेंज हो चुका है, अब जिला कौन सा जाएगा, नीम का थाना जिला, तो ये बड़ा अपडेट है। अगली जो सभ्यता है वो है सुनारी सभ्यता, ठीक है, ये दोनों ही सभ्यता कौन से जिले में है, नीम का थाना जिले में, तो सुनारी है खेतड़ी, ठीक है, और पहले पढ़ते थे खेतड़ी को झुंझुनू में, लेकिन अभी आ जाएगा नीम का थाना में, ठीक है, सुनारी सभ्यता। इसकी खोज करते थे विजय कुमार और देखिए वह तामरयुगीन सभ्यता थी और सुनारी है लोहयुगीन सभ्यता, ठीक है, यही से लोहा गलने की भट्टियाँ मिली हैं और ये भी कौन सी नदी के किनारे हैं, कांतली नदी के किनारे, तो कांतली नदी के किनारे कितनी सभ्यताएँ हैं, दो, एक सुनारी है और दूसरी है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, तो ये दो सभ्यताएँ हैं। अब जिला कौन सा जाएगा, नीम का थाना जिला। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो फैक्ट है वह है कंजर्वेशन जोन, ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंजर्वेशन जोन है इस ज़िले में, ठीक है, नीम का थाना में,
पहला है मनसा माता कंजर्वेशन जोन, ये उदयपुर वाटी जो तहसील है वहाँ पर है, नीमका थाना जिला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जोन है? मनसा माता कंजर्वेशन जोन। दूसरा है बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन, जो खेतड़ी तहसील है और नीमका थाना जिला। तीसरा है बांसियाल खेतड़ी बागुर कंजर्वेशन जोन, तो ये खेतड़ी नीमका थाना जिला। तो तीन अपल कंजर्वेशन जोन है, मनसा माता कंजर्वेशन जोन, बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन और बांसियाल खेतड़ी बागुर कंजर्वेशन जोन। खनिजों के अंदर देखिए पर तामर जिला इसको कहा जाता है, ये नीमका थाना है, ठीक है। और खेतड़ी से तांबा प्राप्त होता था, ताम्र खनिज खेतड़ी पहले पड़े थे झुंझुनू, लेकिन अब कहाँ पर आ जाएगा? नीमका थाना जिले में। लोहा ऐसे के अंदर आप देखिए यहाँ पर डाबला सिंगाना, यहाँ से लोहा से मिले हैं कैल्साइट नीमका थाना से, बेरिलियम अब्रक और तांबड़ा, ये नीमका थाना जिला। तो यहाँ पर कौन कौन से लोहा ऐसे हैं? तो कैल्साइट और बेरिलियम अब्रक और तांबड़ा, ठीक है। जिला कौन सा हो जाएगा? नीमका थाना जिला। बांधों की बात करें तो यहाँ पर बांध कौन कौन से हैं इस जिले में? तो कोट बांध है, कायम बांध है, पापड़ा बांध है, पन्ना सागर तालाब है, अजीत सागर तालाब। तो ये सभी जो बांध हैं ये कौन से जिले में हैं? नीमका थाना जिले में। अगला प्रश्न देखिए मंदिरों को लेकर की, तो यहाँ पर एक तो है मनसा माता मंदिर जो उदयपुर वाटी में है, दूसरा है सकराय माता मंदिर, ये भी उदयपुर वाटी में है, और तीसरा है गोपीनाथ मंदिर जो निमड़ा गाँव श्री माधोपुर में है, ठीक है। और श्री माधोपुर तहसील भी नीमका थाना में है। तो नीमका थाना जिले में कितने मंदिरों हैं? यहाँ पर तीन मुख्य मंदिर है, मनसा माता मंदिर, सकराय माता मंदिर और गोपीनाथ का मंदिर। अगला देखिए यहाँ पर गोरीर सौर ऊर्जा, ठीक है, गोरीर सौर ऊर्जा, तो ये खेतड़ी में है, नीमका थाना जिला है, और कमला बेनीवाल का जो संबंध है वो भी यही से है, ठीक है, खेतड़ी से। चौदह है यहाँ पर ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना, तो ये भी खेतड़ी नीमका थाना में है, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। अगला प्रश्न देखिए पंद्रह फैक्ट है यहाँ पर, डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट, ठीक है। तो डेयरी का सबसे प्लांट जो बड़ा प्लांट है वो कहाँ पर है? नीमका थाना जिले में। अगला फैक्ट है पाटन का युद्ध स्थल, तो नीमका थाना जिला। 20 जून 1790 को इस युद्ध हुआ था पाटन का, ये मराठा महाराजी सिंधिया और राजपूत शासकों के बीच में हुआ था। कौन सा? मराठा सॉरी पाटन का युद्ध। तो ये भी जो स्थल है वह नीमका थाना जिले में है। अगला देखिए जोगीदास की छतरी, तो ये उदयपुर वाटी में है, जिला पड़ जाएगा नीमका थाना। वीति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगीदास की छतरी। 18 जो पॉइंट है वह है लोहारगल, ठीक है, तो उदयपुर वाटी में है लोहारगल, जिला पड़ जाएगा नीमका थाना। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थल रहा था लोहारगल, और एक चोटी भी है लोहारगल चोटी जिसकी ऊंचाई है 1051 मीटर। तो अज्ञातवास के दौरान जो पांडव थे तो उनकी शरण स्थल रहा है लोहारगल, जो ये भी नीमका थाना जिले में है। 19 नंबर पर देखिए यहाँ पर पंसारी की हवेली, ठीक है, तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर जो तहसील है वहाँ पर है, और जिला वहाँ पर नीमका थाना। 20 नंबर में फैक्ट है त्रिवेणी धाम मेला, तो ये अजीतगढ़ में लगता है, और तहसील है श्री माधोपुर और जिला है नीमका थाना। तो सभी जो फैक्ट हैं सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप अपने नोट्स में इनको ज़रूर उतारिएगा। आगे देखिए 21 नंबर में है दिवराला सती कांड, ठीक है, कौन सा कांड है? दिवराला सती कांड, तो ये श्री माधोपुर और श्री माधोपुर नीमका थाना जिला। दिवराला सती कांड हुआ था 4 सितंबर 1987 को, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी रहे थे, और रूप कंवर यहाँ पर सती हुई थी दिवराला सती कांड में। आगे देखिए 12 नंबर में है सरगोठ, तो ये श्री माधोपुर है, तहसील और नीमका थाना जिला। राजस्थान का प्रथम फल उद्यान को माना जाता है सरगोठ को। आगे देखिए खेतड़ी का महल, तो शेखावाटी का इसको हवा महल कहा जाता है, ये खेतड़ी तहसील है और जिला नीमका थाना। इसका निर्माण 1760 में महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा करवाएगा। 5 मंजिला हैं, आकृति है इसकी मुकुट के समान, और जयपुर के हवा महल व लखनऊ की भूल बिलय की तहज इसको बनाया गया है। इसमें कायम खानी छात्रावास वर्तमान में संचालित है, ठीक है, जो खेतड़ी का महल है तो इसमें अभी वर्तमान में कायम खानी छात्रावास संचालित हैं, और इसको मुकुट के समान बनाया गया है, आकृति इसकी मुकुट के समान, 5 मंजिला बना हुआ है, और
इसका निर्माण 1760 में महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। अगला जो फैक्ट है वह है तीर्थ स्थल को लेकर। तो यहाँ पर गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर और बागेश्वर, तो ये तीर्थ स्थल हैं। सरगोट अपन ने पढ़ लिया अभी, ठीक है, श्री माधोपुर और प्रथम फल उद्यान। 26 नंबर फैक्ट है कैप्टन दुर्गा प्रसाद, तो इनका जन्म हुआ था निमका थाना जिले में। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था, कैप्टन दुर्गा प्रसाद ने। अगला फैक्ट है जुजार जी, तो इमलोहा, और इमलोहा पड़ता है निमका थाना जिले में। जो जुजार जी होते हैं तो उनका थान खेजड़ी वृक्ष नीचे होता है और इसका रामनवमी को मेला लगता है। तो ये जुजार जी भी कहाँ है, निमका थाना जिले में। 28 नंबर में जो फैक्ट है राम नारायण चौधरी, तो इनका जन्म भी निमका थाना जिले में हुआ था। भेगू शिक्षण आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में और नारेली आश्रम खोला था इन्होंने अजमेर में, और इनकी पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी। तो रामनारायण चौधरी का जन्म भी कहाँ हुआ था, निमका थाना जिले में। तो ये थे प्रमुख 28 फैक्ट थे, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो निमका थाना जिला है वो अपन ने पढ़ लिया है। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आप ऑन जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हर प्रकार की अपडेट भी यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बिल्कुल, अपन अगर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो आज अपन ने यहाँ पर 7 जिले पढ़ लिए हैं, और सभी जिलों को लेकर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो भी अपन यहाँ पर साथ साथ में पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अपन ने 12 क्लासें पढ़ लिया, और ये आज की जो क्लास है वो 13 नंबर की क्लास है। तो आप जुड़िएगा, और सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में आकर सभी के सभी जो नए जिले हैं वो आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल भर्तियाँ आती रहती है, तो आपका सिलेक्शन किसी न किसी भर्ती में तो अवश्य होगा, बस आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, धन्यवाद।